महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। तो परिवर्तन के दो सूत्र हमारे सामने आ गए, एक वैज्ञानिक प्रयोग और एक आध्यात्मिक प्रयोग। वैज्ञानिक प्रयोग है यंत्र के द्वारा, उपकरणों के द्वारा मस्तिष्क के प्रकोष्ठों में परिवर्तन करना, और आध्यात्मिक प्रयोग है ध्यान के द्वारा। कोरा ध्यान में बैठ गया अच्छा है, पर एक उद्देश्य लेकर कि मुझे अमुक वृत्ति में परिवर्तन लाना है। क्रोध की मात्रा ज्यादा है तो मुझे क्रोध को शांत करना, संतुलित करना है। अहंकार की मात्रा ज्यादा है तो अहंकार को भी शांत संतुलित करना है। इसी प्रकार लोभ, भय, माया, कपट, घृणा, वासना, जो भी वृत्ति ज्यादा है उसको संतुलित करना, तो वह केंद्र खोजना कि कहाँ पर, किस चैतन्य केंद्र पर या मस्तिष्क के किस भाग पर ध्यान करने से वह वृत्ति शांत होती है और दूसरी वृत्ति उद्दीप्त हो जाती है। इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। शक्ति को जगाना है तो उसके पहले शक्ति के विषय में जानकारी और उसकी प्रक्रिया कि कैसे उसको जगाया जा सकता है हमारे सामने होना चाहिए।